दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे हॉन्टेड जगह पर आपका स्वागत है। मैं शंकर जोशी एक बार फिर लाइव आपके लिए। अभी त्रिलोक और शांतिपीठ के बच्चे इस खंडल नुमा भानगढ़ की हवेली में प्रवेश करते हुए हैं और आप मेरे साथ देख सकते हो कि उजड़ी हुई आबादी है। आप एक तरफ रहो, आधा आधे हो जाओ, एक तरफ रह जाओ। ये जो आप उजड़े हुए खंडर देख रहे हो, ये उस समय का बाजार हुआ करता था और इस भानगढ़ किले के बारे में बहुत सारी कहानियां फेमस है। अब उस कहानियों में सच कितना है, फसादा कितना है, ये किसी को पता नहीं, पर आप देख सकते हैं ये उजड़ा हुआ बाजार। और आसपास के जो लोग कहते हैं कि इसी जगह पर रात को डरावनी आवाजें आती है और 5 बजे के बाद इस क्षेत्र निषेध है। शायद उजड़े हुए जो खंडर हैं वो इस बात को सही भी साबित कर रहे हैं। ए, तू चुप ही रहना, लाइव चल रहा है, ध्यान रखना। मुझे ईयरफोन है, किसके पास देना ईयरफोन? ईयरफोन दे, इसमें चल जाएंगे ना। बहुत आप इस खंडरों को देख के इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि उस जमाने में ये बहुत ही अच्छा बाजार रहा होगा, पर वक्त की मार कहे या इतिहास का इसे सितम कहा जाए, ये बाजार आज पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ जो भानगढ़ का किला जो आपको नजर आ रहा है, बैक में पीछे बिल्कुल एक प्रकार से ब्लैक रंग में, और ये जो इसके डर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। इस भानगढ़ किले के बारे में दो कहानियां फेमस हैं, उसमें सच्चाई कितनी है ये पता नहीं। पहली कहानी तो ये कि यहाँ की जो रानी रत्नावती थी, राजकुमारी रत्नावती थी, वो बहुत ही खूबसूरत थी और एक तांत्रिक था। उस तांत्रिक का उसके ऊपर दिल आ गया और वो उसे किसी भी रूप में पाना चाहता था। एक दिन उस राजकुमारी की दासी जब बाजार से कोई सेंट लेने जब गई तो चूंकि रास्ता बड़ा विकट है इसलिए बीच बीच में व्यवधान पैदा हो रहा है, क्योंकि वो काफ़ी सुंदर थी। उसकी दासी जब इत्र लेने के लिए बाजार में गई तो उस तांत्रिक को जब इस बात का पता चला तो उसने उस इत्र के अंदर वशीकरण मंत्र मिलाकर उस दासी को दे दिया। पर ये बात जैसे ही राजकुमारी को पता चली तो उसने उस इत्र की बोतल को एक चट्टान के ऊपर तोड़ दिया और वो चट्टान की जो बहुत बड़ी चट्टान उस तांत्रिक को तरफ आने लगी। और जब तांत्रिक को लगा कि उसकी मौत निश्चित है तो उसने उसी समय भानगढ़ को श्राप दिया कि मैं तो आज मर रहा हूँ, पर जैसे जैसे, और उसने श्राप दिया कि आज के बाद भानगढ़ कभी बस नहीं पाएगा। आप देख सकते हैं इस विशाल वट वृक्ष को जो चट्टानों के अंदर फाड़ के निकला है, जो कि यहाँ के डर को और बढ़ावा ही दे रहा है एक प्रकार से। त्रिलोक और शांतिपीठ के बच्चे और स्टाफ आते हुए, थोड़ी थोड़ी दिल की धड़कनें बढ़ती हुई। कुछ बच्चे तो कह रहे हैं कि जो शैतान बच्चे की हम 5 बजे के बाद रुकेंगे, पर उन्होंने भी अपनी इच्छा, अभी इस यहाँ के पूरे कंडीशन को देख के उन्होंने अपने इरादे छोड़ दिए हैं। जहाँ तक कि खुद मैं भूतों में यकीन नहीं रखता हूँ, पर मेरा ये मानना है कि यदि कहीं डर है तो उस डर के ऊपर जीत हासिल करनी चाहिए। और यहाँ पर इन बच्चों को लाने का मकसद ये है कि भूत प्रेत कुछ भी नहीं होते हैं, ये हमारे मन का डर होता है जो हमें डराता है। आज उसी डर पर जीत हासिल करने के लिए हम इतने दूर जंगलों में, अलवर के जंगलों में, भानगढ़ के किले के ठीक सामने 3 द्वार इसके बने हुए हैं,
अभी जो पीछे बैकग्राउंड में आपने उजड़ा हुआ बाजार देखा था, अभी भी वो बाजार स्टार्ट है। अब उसके बाद पिछले 400 साल से वो बाजार कभी बस नहीं पाया। धीरे धीरे हमारे कदम बांधगढ़ की तरफ बढ़ते हुए, और यहाँ पर जो सबसे पहली शुरुआत होती है वो एक मंदिर से होती है। पर बड़े अफसोस की बात है कि इस मंदिर के में पूजा करने के लिए कोई पुजारी मौजूद नहीं है, और 5 बजे के बाद यहाँ पर कोई भी किसी को भी रुकने की इजाज़त नहीं मिलती है। ये पहला स्मारक है जिसे निषेध घोषित किया गया है। आप बाणगढ़ के इस किले का पूरा परिचय आप देख सकते हैं। वो सरकार अपनी तरफ से भूतों के रहने की घोषणा नहीं कर सकती क्योंकि भूतों को किसी ने कभी देखा नहीं। अब ये भानगढ़ के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं, और आप यदि सामने यदि देखें जो आपको नजर आ रहा है वो दृश्य आपको डराने के लिए काफी है। और इतिहास में भानगढ़ हमेशा एक अजूबा ही रहा। आप देख सकते हैं ये भानगढ़ का किला है, ये कभी 7 मंजिला हुआ करता था, परंतु इसकी अभी कुछ एक मंजिली शेष रही है, बाकी की जो मंजिलें गिर चुकी हैं। और उसी के बारे में यहाँ का एक जो तपस्वी ऋषि था, योगी था, उसने श्राप दिया था कि यदि इस महल की परछाई मेरी तपस्या स्थल पर पहुँच पड़ी तो भानगढ़ हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और यही भानगढ़ के साथ हुआ। देखते हैं सच्चाई क्या है और कितना अफसाना है। ये पास में मंदिर, बहुत ही भव्य मंदिर, पर यहाँ पर कभी पूजा अर्चना नहीं की जाती है क्योंकि इसके लिए किसी इंसान की जरूरत पड़ती है, और इंसान यहाँ कोई नहीं। और यहाँ चारों तरफ जो स्थिति को देख के लगता है कि कुछ तो बात ऐसी होगी, पिछले 300 साल से लोग यदि कुछ कह रहे हैं तो उन बातों में कहीं तो सच्चाई जरूर होगी। चारों तरफ परकोटे से घिरा हुआ, तीन तरफ से क्योंकि चौथी तरफ तो पहाड़ी आ जाती इसकी रक्षा के लिए। यहाँ पर एक पगडंडी सी बनी हुई है, इधर से रास्ता है ना। यहाँ पहला जो मेहमान हमें मिला है ये लंगूर मिला है, इसके अलावा कोई नजर नहीं आ रहा है। यस कम ऑन हियर, बट वो भी सारी हमारे हमें सुन नहीं रहा है, हम उसे पसंद नहीं आए। हम पसंद नहीं आए, शायद लगता है हम भूतों को नहीं। मोबाइल गिरा है, फूटा नहीं है। ये भूत ने पहला कमाल बता दिया, मेरा मोबाइल पटक दिया। बहुत उछल रहा था मैं। पहला कमाल मेरा मोबाइल गिर गया, पता नहीं किसने पटकाई है। नहीं कुछ नुकसान तो नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा स्क्रेच आया है। मुझे लगता है कि मुझे लाइव बंद कर देना चाहिए, पर अब मैं लाइव बंद करूंगा तो लोग सोचेंगे कि मैं डर गया। धीरे धीरे उस भूतहा खंडर में प्रवेश करते हुए, देखिए जी मुझे हाथ हिला रहे हैं, मना कर रहे लाइव के लिए। देखिए जी कह रहे कि बस नहीं जा रहा इससे आगे, पर हम जाएंगे। हाँ मंदिर किसी का भी हो, पर यहाँ पर कभी कोई पूजा अर्चना नहीं होती है। हाँ आराम से भावे जी गिरते हुए, और मैं खुद भी ये क्या हो क्या रहा है पता नहीं। और हम चाहते हैं कि उस डर के चुप, पर हम चाहते हैं कि इस डर के ऊपर आज विजय प्राप्त कर लें। भानगढ़ को हमने YouTube पे बहुत देखा, इतिहास की किताबों में देखा, पर आज हम लाइव देख रहे हैं। और सचमुच भूत को भले नहीं माने फिर भी कहीं कहीं दिल की धड़कनें तेज होती हुई, और इसको जो देख दिखाई दे रहा है जो सामने है, ऐसे लगता है कि सदियों से यहाँ पर कभी इंसानी कदमों के या इंसान के कदम ही नहीं पड़े हों।
चलिए देखते हैं त्रिलोक और शांतिपीठ के बच्चे आज इसको आबाद करते हैं। और दो चार बच्चे तो कह रहे हैं कि हमें यही रख दो, पढ़ाई से बेहतर या सजा काट ले। काफी चढ़ाई की वजह से थकान होते हुए और ये जो सड़क बनी हुई है वो भी पुराने समय की पत्थरों से, शायद ये दीवारें बुलंदी के साथ आज भी खड़ी है। इसकी खामोशी को हम सुन पाते तो शायद ये भी अपना दर्द बोल देती, क्योंकि तो सदियों से ये भी अकेले खड़ी है दुर्ग की रक्षा के लिए। पर दुर्ग में किसकी रक्षा की जाए, उनके पास अभी कुछ भी नहीं है ऐसा। इस दुर्ग को किसी की रक्षा की जरूरत ही नहीं है, ये लगता है कि अपनी रक्षा खुद करता है। आ देखिए पास में ऊंची ऊंची पहाड़ियां, इसके सन्नाटे को और बढ़ाती हुई, इसकी तनाई को और बढ़ाती हुई। ये हमारे अशोक जी जो अपने आप में भूत हैं, इसलिए इन्हें भूतों से डरने की जरूरत नहीं है। पीछे जो लोग आ रहे हैं वो भी भूतों से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। ये हमारे ताऊ जी यहाँ के। ताऊ जी नमस्कार, क्या लोकल हो या डर जैसा कुछ है? ये कुछ बात करने के लिए तैयार नहीं, मुझे लगता है कि ये भी अंदर से खौफ जता है। हाँ कुछ लड़कियाँ कह रही है, लड़कियाँ कह रही है हमें डर नहीं लगता है। सही बोल दिए, चुड़ैले भूतों से कब डरती है। ये देखिए कुछ लोग तो काफी पीछे रह गए। हाँ यस 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 बुढ़िया यू कम ऑन। हाँ काफी थकान महसूस करते हुए कुछ लोग तो काफी पीछे छूट गए। देखिए कुछ लोग पीछे, यूं लग रहा है कि सेना का जो अंतिम दस्ता वो आ रहा हो, वैसे धीरे धीरे चहलकदमी करते हुए। एक्चुअल में सही बात यह कि चुड़ैलों को भूत मिलता भी नहीं है। तुम शक्लों से रकल से चुड़ैली लगती हो। हाँ चलिए आगे पहुंचते हैं। यहाँ पर एक सुरंग बनी हुई है जिसके लिए ये कहा गया है कि इसके अंदर जाना वर्जित है। अब ये सुरंग कहाँ जाती है पता नहीं, नहीं इसके अंदर कोई नहीं जाएगा। मैं थोड़ा अंदर जाके आपको थोड़ा बता देता हूँ। ध्यान रखना मेरा, ध्यान रखना वहाँ मेरा ध्यान रखना। काफी भयानक बदबू आती हुई, काफी बदबू यहाँ पर, और थोड़ा डर भी लग रहा है। यार उजाला होने दो ना मेरे लिए, थोड़ा मैं आगे क्लोज और जा रहा हूँ। इसके आगे जाने की हिम्मत थी और मुझे जाने भी नहीं देंगे। काफी गहरी गुफा है आप देख सकते हो, बहुत ही गहरी गुफा। और इसके अंदर मैं जाना तो चाहता हूँ, पर अभी मेरे साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं उनको घर तक पहुँचाना चाहता हूँ। कभी फिर से लौट के आएंगे तो इस गुफा में जरूर जाएंगे। काफी गहरी गुफा है, चलिए देखते हैं अगली बार जब आएंगे दोस्तों के साथ तो इस गुफा में भी जाएंगे। फिलहाल ऊपर की तरफ एक दो जगह, अशोक जी एक वो कुआ है, महल की सीढ़ियां है, वहां वर्जित है, वहां कोई नहीं जाएगा, वहां अलाउ नहीं है कोई भी। ए ए इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, कोई भी अकेला नहीं जाएगा। जो अकेला जाएगा नीचे गुफा में अकेला जाओ, नीचे गुफा भी है, जाना है तो वहां जाओ। उस अंधेरी गुफा में एक अजीब सा डर था और नीचे गुफा है, आप चाहे तो कोई हिम्मत वाला तो मेरे साथ आ सकता है। हाँ पर उसमें इतनी भयानक बदबू आ रही है कि अपन जा नहीं सकते हैं, और मैं चाहता भी नहीं कोई जाए, इतना रिस्क अपन नहीं उठा सकते हैं। फिलहाल पहली दो तीन बातें आप सब सुन लेंगे। हाँ यहाँ दो तीन जगह है जहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि वहाँ फोटोग्राफी करना मना है, प्लस उस जगह तक जाना मना है, उस जगह पे कोई नहीं जाएगा, कोई हिम्मत नहीं करेगा। ये भानगढ़ की पहली मंजिल, ये ऐसे किसे 7 मंजिला हुआ करता था कभी अपने इतिहास के उस दौर में, और वहां पर एक भूत सामने खड़ा है जिसे आप लाइव देख सकते हो। ये पहली मंजिल अभी भी सुरक्षित है। चलिए आप मेरे पीछे कोई नहीं आएगा। आप देखिए यहाँ पर जो जिस डर के बारे में बताया गया है वो डर ऐसी जगहों पे है जहाँ अलग अलग कई गुफाएं बनी हुई है, और
मैं चुकी जा इसलिए रहा हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि बूथ होते ही नहीं है। आप देखिए इधर से गेट बंद कर दिया गया है, इधर से गेट बंद है, इधर आगे सीढ़ियाँ जा रही हैं पर वो अंधेरे की तरफ जा रही हैं। और मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ इसे। हाय मेरे साथ कोई नहीं आएगा, यही खड़े रहो। हाँ रास्ता बिल्कुल सकड़ा होता हुआ और आगे रास्ता जा रहा है कि नहीं जा रहा है मुझे पता नहीं। आ जाओ, आगे रास्ता सकड़ा और ये रास्ता यहाँ आके रुक गया है। हम वापस उसी जगह आ गए। आगे ये जो सुरंग, ये सुरंग जो जा रही थी वो रास्ता बंद कर दिया गया है, इसलिए वापस लौट के चलो। बच्चों में टॉप का एक्साइटमेंट और ये उस डर से, डर के ऊपर जीत हासिल करने की हमारी कोशिश है। चलिए निकलो। और आप देख सकते हैं कि इस सुरंग को यहाँ से बंद कर दिया गया है और इस सुरंग को यहाँ से बंद कर दिया गया, रास्ता आगे नहीं जा रहा है शायद किसी डर की वजह से। वापस उतरते हुए कुछ नहीं है, सुरंग आगे से बंद है, आगे से बंद है सुरंग। चलिए वापस अपने उसी जगह पर, ज्यादा भी हिम्मत करने की जरूरत नहीं है। डर लगती है यार, पास कितना मार रहा है। सुरंग बंद है? नहीं सुरंग बंद है, आगे चलो वहां से, उधर चलो, तुम अंदर मत जाओ, पसीना आ गया। मैं जाता हूँ तो ये भानगढ़ की प्रथम मंजिल। और आप लोग कहाँ से चढ़े? नीचे उतरो, चारों के चारों पूरे भूत लग रहे हो। ये तीसरा गेट हमने पार किया है। चारों तरफ चमगादड़ों की बदबू, सिलेंदार दीवारें और अंदर भी कोई नहीं जाएगा। ठहरो, पहले मुझे चेक करने दो, आगे मुझे जाने दो, लेट मी गो। आप यहाँ चारों तरफ कोई नहीं आएगा जब तक मैं नहीं कहूँ, कोई नहीं आएगा, मैं कह रहा हूँ मनाने यार। आप इन खंडरों को देख सकते हो, इनका प्लास्टर उधर चुका है। ये फिर एक गुफा या कमरा ये पता नहीं, थोड़ा डर मुझे भी लग रहा है। और आप ये देख सकते हो यहाँ से सीढ़ियाँ उतरती हुई, ये भयानक मंजर आप देख सकते हैं। इसके अंदर जाने की हिम्मत तो शायद मेरी भी नहीं होगी। एक गहरी गुफा और जिसके सीढ़ियाँ बनी हुई जाने के लिए, पर यहाँ पर अंदर जाना अलाउ नहीं है और यहाँ पर इतनी भयानक बदबू है कि हम अंदर जा भी नहीं सकते हैं। ये पर मेरा मानना है कि इस रहस्य से पर्दा उठना ही चाहिए और कभी और लौट के आना हुआ तो ज़रूर इस रहस्य से पर्दा अपन उठाएंगे। पर आ चुकी बच्चे साथ में हैं। चलिए आप पीछे हट जाइए, पीछे हट जाओ। सर देखिए इसे तीन सुरंगें मिल चुकी हैं जिनका मैं अंदर पैर रखना अलाउ नहीं, पर मैं रख ही देता हूँ। यहाँ चारों तरफ चमगादड़ की, एक हैलोजन देना मुझे, टॉर्च दो, आप फ्लैश, इसकी फ्लैश है ऑन करो, इसकी हो जाएगी। हाँ थोड़ा जाने की इच्छा है ताकि बच्चे अंधविश्वास की बातों से डरना छोड़ दें। ओहो नहीं, ये चमगादड़ है जो इस मंजर को और भी ज्यादा भयानक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अंदर तक हो गई और ये अंदर तक काफी 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 गहरी है। सुरंग आगे भी जा रही है पर इसके आगे उतरना संभव नहीं है और उतरने की इतनी हिम्मत भी नहीं है। सच्चाई ये है। चलिए बच्चों चलो चलो चलो, देखो भूतूत होता है कुछ, चलो सुरंग में उतर जाओ, पता चल जाएगा। चलिए नहीं, यहाँ पर चारों तरफ गुफाएं हैं और ये हॉरर क्या होता है, डर क्या होता है, उसे बच्चे फील कर रहे हैं और इसे एंजॉय भी कर रहे हैं। वो देखो मैं बैठी हूँ। तरीकी नहीं, वो भूतनी नहीं है।
चलिए फोटो क्लिक कर दूं मैं। नहीं चलो आ जा, ये चलो चलो आ जाओ, चलो आ जाओ। कोई किसी गुफा के अंदर कहीं जाएगा नहीं, ध्यान रखना है। हाँ तो ये 500 साल पुराना खंडहर है और यहाँ पर हाँ तुम्हारा ही ले रहा हूँ। ये त्रिलोक पीठ का कारवां गुजरता हुआ, अब पसीना मुझे गर्मी की वजह से आ रहा है, गुफा के भय की वजह से, ये मुझे भी पता नहीं। गुफा के भय क्या, डरते हो सर? कुछ नहीं आने वाला यार, अंदर जाके झाक के आ जा। मैं हूँ साथ में सर आपके। सबसे बड़ा डर तो वही है ना। अपने राहुल, राहुल, ए राहुल का, राहुल वो, ए राहुल को ये पूछो, वो जगह बताए मुझे जिस जगह उन्होंने वो फोटो लिया था। हाँ वो जिस जगह पे फोटो लिया था ना, मुझे वो जगह देखनी है। नहीं जी राहुल आया नहीं, अकेले भेजा था इनको। गोपाल नहीं, मुझे वो जगह बताओ जहाँ फोटो खींचा था, पीछे से पंजे नजर आ रहे थे। मैं जाके आया ना, वहाँ कोई दीवार ऐसी दिखाई नहीं दी। हाँ अभी जाते हुए वापस मुझे ले जाना उस जगह पे। यहाँ पर एक ट्रेजडी हुई थी कि आज से 4-3 साल पहले ये आए थे राहुल, ये सब इन्होंने फोटो खींचा और इनको पता नहीं फोटो में, फोटो मैंने जूम करके देखा तो दीवार के अंदर से दो हाथ पंजे निकल रहे हैं। मैंने फिर इनको कहा कि निकलो यहाँ से, फिर इनको बताया कि ये पंजे कैसे, कोई डिजाइन बनी थी क्या? तो उन्होंने कहा कोई डिजाइन नहीं थी, सपाट दीवार थी। वो जगह देखनी है मुझे, ले जाना अभी जाते हुए। क्या देखिए फिर खंडर, चलिए थोड़ा और ऊपर हो आए। चलिए भूत गुटखा नहीं खाते हैं। ये एक खंडल नुमा बाग में दूसरी मंजिल पे प्रवेश करते हुए चारों तरफ भयानक बदबू। यहाँ पर सिर्फ आप खंडर ही दिखाई देंगे। उस संत का श्राप पल रहा है या उस तांत्रिक का श्राप, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। इतिहास यहाँ पर हमेशा दर्ज रहस्य में ही रहा और सिर्फ ये खंडर मात्र पड़े हैं यहाँ पर। सर वहाँ पर जा कहते हैं हर खंडर अपने पीछे कोई कहानी जरूर कहता होगा। चलिए थोड़ा देख लेते हैं आगे बढ़कर। और क्या जो काटे पड़े हैं और जो स्थानीय लोगों से हमने जब पूछा जब आ रहे थे तब उन्होंने कहा कि वो इस महल की तरफ कभी भी नहीं जाते हैं। जब मैंने कारण पूछा तो यहाँ पर शायद किसी ने पूजा अर्चना की है, तांत्रिक विद्या ये पता नहीं, पर यहाँ जब स्थानीय लोगों से बात की तो उन्होंने एक ही बात कही कि हम इस जगह पर कभी भी नहीं आते, न दिन में न रात में, पर पर्यटन जरूर आते हैं, पर्यटक जरूर आते हैं ये जानने के लिए है क्या। जब उनसे पूछा कि इस जगह पर ऐसा क्या है तो वो कहते हैं कि जो खंडर नुआ जो बाजार है वहाँ से रात को आवाज़ें आती हैं, डरावनी आवाज़ें आती हैं, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। चलिए खंडर में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। चलो आप चलो थोड़ा और आगे। वैसे इस खंडर को देख के कहा जा सकता है कि इमारत कभी बुलंद रही होगी। इसके खंडर भी बताते हैं कि इसकी दीवारें कितनी ऊंची रही होगी, इतिहास ने उसे हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। यहाँ पर सैकड़ों साल पहले एक नरसंहार हुआ था। फिलहाल यहाँ पर सभी बच्चे चलिए आगे, इसकी अब 5वीं मंजिल पे पहुँचते हुए हैं। जैसे जैसे पहुँच रहे सीढ़ियाँ सकड़ी होती जा रही हैं और हम पहाड़ी के निकट पहुँचते हुए सबसे 7वीं मंजिल पे पहुँच चुके हम, जहाँ तक बहुत कम लोग पहुँचते हैं। और आप देख सकते हैं चूँकि सांसें फूल गई है ऊंचाई की वजह से, इधर आगे कोई नहीं जाएगा। आप ये देख सकते हैं सामने चारों तरफ जहाँ जहाँ मंदिर, जहाँ जहाँ महल आपको सब नज़र आ रहे होंगे।
पर सभी खंडरों में बदल चुके हैं। सामने जो दुर्ग की रक्षा करने वाली प्राचीर दीवार वो भी देख सकते हैं। यहाँ से आप यदि देख सको तो वो उजड़ा हुआ बाजार जहाँ से रहस्यमय आवाज़ें आती है आप उसे भी देख सकते हैं। चूँकि मैं थक चुका हूँ इसलिए फिर अभी फिलहाल आपको अलविदा कहता हूँ। थोड़ी देर के बाद हम सरिस्का जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वहाँ पर पहुँचेंगे, शेरों के बीच में। आप यहाँ पर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ जो ऐसे लग रहा है कि जैसे कि हमारे ऊपर बस आने वाली हैं आप देख सकते हैं। यहाँ सामने ऊंची किसी की समाधि बनी हुई है, देखिए, जिसके बारे में कहा जाता था कि जिस योगी ने, जिस संत ने श्राप दिया था उसकी समाधि वहाँ पर बनी हुई है, जिसका श्राप इस भानगढ़ पर आज भी पल रहा है। खूबसूरत वादियों के बीच में ये भानगढ़ का किला एक भयानक दाग की तरह लगता है, जो अपने आप में किसी श्राप को अपने अंदर समेटे हुए, अभूतपूर्व रहस्य को अपने अंदर समेटे हुए। अभी के लिए अलविदा, फिर जल्दी मिलते हैं आपको सरिस्का में। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।